हेलो गाइस दिस इज सौरभ स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीकी सौरभ में तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगस्त में ऐसे कौन कौन से स्मार्टफोन्स हैं जो कि लॉन्च होने वाले हैं इस महीने तो बहुत सारे फोन्स लॉन्च हुए हैं जैसे कि आरोजी फोन थ्री वन प्लस इसके नोट इसके बाद रेडमी नोट नाइन और सैमसंग एम तो ऐसे और भी स्मार्टफोन लॉन्च हुए इस महीने और इन सारे फोन का मेंशन मैंने अपने पिछले अपकमिंग स्मार्टफोन वाले वीडियो में किया था तो तैयार हो जाइए जानने के लिए टॉप फाइव स्मार्टफोन के बारे में जो की अगस्त में लॉन्च हो सकता है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं सो हिगे सौरभ स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल की, की सौरभ में तो सबसे बड़ा इवेंट जो कि अगले महीने होने वाला है वो है सैमसंग का अनपैक्ट इवेंट तो इस इवेंट में सैमसंग अपने फ्लैक्सिव स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जो कि है नोट ट्वेंटी सीरीज और साथ ही हमें गैलेक्सी फोल्ड टू भी देखने को मिल सकता है जो कि फोल्डिंग फोन का नेक्स्ट जनरेशन है तो और ये इवेंट एक ग्लोबल लॉन्च है तो हमें ये फोन इंडिया में अगस्त एंड तक देखने को मिल सकता है और मैं आपको एक बात कह दू सैमसंग का ये लॉन्च इवेंट वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड लॉन्च इवेंट है क्योंकि सबको सैमसंग के फ्लैक्सिप सीरीज वाले फोन का इंतजार रहता है दोस्तों बहुत दिनों से हमें इंतजार था एसूस अपने नए फोन कब लॉन्च करेगा तो आर ओ जी फोन थ्री तो लॉन्च हो ही चुका है साथ ही मिड टू अगस्त में एसूस लॉन्च कर सकता है एसूस जेन फोन सेवन और सेवन प्रो तो ये दोनों फोन भी फ्लैक्सिप लेवल का होने वाला है इसलिए हमें एसो जेनफोन सेवन में कॉलकॉम का 865 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है और साथ ही सेवन प्रो में एट प्लस देखने को मिल सकता है और हमें इन दोनों फोन में एमलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो की नाइनटी हर्ट्स रिफ्रेश रेट के साथ आता है दोस्तों अगले महीने शॉमिंग का Redmi Note सीरीज भी लॉन्च होगा लेकिन ये लॉन्च इवेंट इंडिया में नहीं होगा बल्कि चाइना में होगा तो जैसे कि अगले महीने चाइना में ये लॉन्च इवेंट हो जाएगा तो हो सकता है इंडिया में भी हमें Redmi Note 10 सीरीज सितंबर तक देखने को मिल जाए और सितंबर में बहुत सारे फोन लॉन्च होने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नहीं भी पसंद आ रहा तो वीडियो को लास्ट तक देख के जाइएगा क्योंकि आपको इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि Redmi Note 10 या फिर 10 Pro में Dimensity 820 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है इस प्रोसेसर के साथ ये फोन चाइना में लॉन्च हो और इंडिया में कॉलकॉम के प्रोसेसर के साथ आ जाए दोस्तों Realme C11 के कंपटीशन में हमें Redmi की तरफ से भी एक स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है जो कि होगा Redmi C3 तो ये एक रीब्रांडेड फोन होगा रियलमी नाइन सी का जो कि चाइना में लॉन्च हुआ था तो आप समझ ही गए होंगे ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है अंडर टेन थाउजेंड के बजट में और इस स्मार्टफोन में आपको कॉलकॉम का सेवन थर्टी जी प्रोसेसर देखने को मिलेगा दोस्तों अब रियल की तरफ से जो अगस्त में स्मार्टफोन लॉन्च होगा वो होने वाला है Realme C15। सी फिफ्टीन तो ये स्मार्टफोन इंडोनेशिया में लॉन्च हो चुका है और वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अगस्त में ये फोन हमें इंडिया में देखने को मिल जाए और दोस्तों रियल की तरफ से हमें सेवन सीरीज या वी सीरीज भी देखने को मिल सकता है और साथ ही रियलमी एक्स भी लॉन्च हो सकता है जो कि एक फ्लैक्सिव स्मार्टफोन होगा एट प्लस प्रोसेसर के साथ तो दो उम्मीद दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ